गुड़गांव में अगर आप केले खरीदोगे तो भाई 70 रुपीज का एक किलो आपको मिलता है, 70 रुपीज, 70 रुपए एक किलो, और यहाँ पे भाई 100 रुपए में हाउ मेनी किलोज, 3 किलोज। यहाँ पे आके आप प्रॉपर बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो, और कहीं ना कहीं मेरे यूट्यूब की जर्नी यहाँ से शुरू हुई थी, मेरा पहला ब्लॉग यहीं का था। पैचेस कुछ कुछ ऐसे हैं जहाँ पे काफी ज्यादा स्टीप चढ़ाई है, प्रॉपर रोड नहीं है, पत्थरों के ऊपर से होके आपको जाना पड़ता है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सारे, वेलकम बैक टू माय चैनल द मोटो वेलोसिटी। उम्मीद करता हूँ ये जो राजस्थान सीरीज चल रहा है आप प्रॉपर इसको फॉलो कर रहे हो। उम्मीद करता हूँ आपने वो सारे व्लॉग्स देखे, कुंभलगढ़ फोर्ट का हो गया, या फिर इसके पहले वाला जो व्लॉग था चित्तौड़गढ़ फोर्ट का हो गया, जहाँ पे मैंने फोर्ट के हर एक जगहों को के अनकवर करके आपके सामने प्रेजेंट किया था विद प्रॉपर हिस्ट्री बैकग्राउंड, क्या रेलिवेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है हर एक जगह का। उम्मीद करता हूँ आपने वो फुटेज देखा होगा और आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपने नहीं देखा देन डू गो एंड चेक इट आउट, आई विल पुट दैट पर्टिकुलर व्लॉग एट द एंड स्क्रीन फॉर योर कन्वीनियंस। तो अभी अपन कहाँ पे, अभी अपन चित्तौड़गढ़ के रस्तों पे खड़े हुए हैं। यहाँ से अभी अपन प्लान कर रहे हैं बाहुबली हिल्स जाने का, विच इज वन ऑफ द हिडन ट्रेजर्स ऑफ आउटस्कर्ट्स ऑफ उदयपुर। बहुत लोगों को उस जगह के बारे में पता नहीं है, तो उस चीज को एक्सप्लोर करने के लिए अभी अपन जा रहे हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप भी मेरे साथ जुड़े रहो इस चैनल पे, इस व्लॉग पे, ताकि मैं भी आपको ये सारी जो अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस है ना, आपको भी साथ में घुमाता रहूं अपने साथ। तो चलो शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 2.5 घंटे का रास्ता है एंड वी हैव टू गो टुवर्ड्स उदयपुर। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज के व्लॉग को। इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन एज वेल, एंड इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड यू गाइज ऑल्सो नीड टू शेयर इट विद योर नियर एंड डियर वंस। लेट्स बिगिन आवर जर्नी एंड लेट्स गो। तो जैसा कि आपने देखा अपन चित्तौड़गढ़ से निकल चुके हैं। चित्तौड़गढ़ से निकल के अपन ने NH 27 जो नेशनल हाईवे विच कनेक्ट्स टूवर्ड्स विच गोज टूवर्ड्स यू नो उदयपुर, और वहाँ से फिर कट के गुजरात, फिर महाराष्ट्र, तो वो वाले हाईवे पे अपन चढ़ चुके हैं। जो बाहुबली हिल्स है, दिस इज यू नो सिचुएटेड अप्रोक्सीमेटली व्हाट यू कैन से 30 मिनट्स ड्राइव फ्रॉम उदयपुर इज वॉडल से। वो बहुत ही मतलब, अब ऑब्वियसली मैं अभी सब कुछ बोल दूंगा तो फिर वो एसेंस आपको आएगा कैसे, उसके लिए ब्लॉग के एंड तक बने जरूर रहो, तभी आपको पता चलेगा कि व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट और कितना मतलब कितना स्पेशल प्लेस है वो। वहाँ से जो नज़ारे दिखते हैं ना वो नेक्स्ट लेवल के हैं, एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस। खैर अभी चित्तौड़गढ़ फोर्ट से निकलने के बाद जब अपन आ रहे थे तो सुबह से अपन ने बस ब्रेकफास्ट किया हुआ था, ज़्यादा कुछ खाया हुआ नहीं था, तो रुके थे एक जगह केले लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बहुत सारे मतलब झुंड में मतलब वो रेडी लगा के रखे हुए थे भैया लोग, केले बेच रहे थे, एक से एक बढ़िया बढ़िया केले, एंड जस्ट इमेजिन क्या प्राइस रहा होगा। गुड़गांव में अगर आप केले खरीदोगे तो भाई 70 रुपीज का एक किलो आपको मिलता है, 70 रुपीज, 70 रुपये एक किलो, और यहाँ पे भाई 100 रुपये में हाउ मेनी किलोज, 3 किलोज।
मैंने बोला भैया मैं सस्ता तो दे रहे हो आप, मैं अभी ले लूँगा तो घर तक ख़राब हो जाएंगे, और मैं ना बंदरों की 3 किलो केले मैं अभी खा लूँ। तो मैंने बोला भैया बस 4 पीस। भैया हंसने लगे, क्या मजाक कर रहा है क्या? मैं कह रहा हूँ तेरे को तो 3 किलो लेके जा, तो 4 पीस की बात कर रहा है। मैंने कहा भाई क्या करे यार, जितनी रिक्वायरमेंट उतना ही लूँगा ना, फालतू में वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है। तो खैर छोड़ो ये सब, उठाओ मजाक की बात अलग, लेकिन हाँ यहाँ से अप्रोक्सीमेटली अपने को 114 किलोमीटर 114 किलोमीटर्स और जाना है जो अपना डेस्टिनेशन है, जिसके लिए गूगल आंटी हमें दिखा रही है अराउंड 2 आवर्स। तो ठीक है, बढ़िया रोड है ये, रोड बहुत ही पिक्चरस्क रूट है इस होटल से। तो इस व्लॉग के एंड तक बने जरूर रहो, तभी आपको इस रूट का एसेंस भी पता चलेगा। तो यार आराम से स्पीड लिमिट्स के अंदर क्रूज करते हुए चल रहे हैं अपने नेशनल हाईवे पे 58 पे। पीछे तक 27 था, अब 58 नंबर शुरू हो गया नेशनल हाईवे का। आराम से क्रूज करते हुए इसलिए चल रहे क्योंकि मैं दिखाता हूँ, ये देखो तो अगर अपन आराम से क्रूज करके नहीं चलेंगे, जैसा भी ये थार ओवरटेक कर रही है इस, अगर 150 दबा के गाड़ी चलाएंगे तो फिर बताओ यार कैसे चलेगा यार। गाय हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता है। वो रोड क्रॉस कर रही हैं इस हाईवे के बीच में, तो अपन को तो उनको देना पड़ेगा ना जगह रोड क्रॉस करने का। खैर यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 95 किलोमीटर्स और रह चुका है बाहुबली हिल्स, और गर्मी बहुत ज़्यादा होगी यार। सुबह जब मैं निकला था घर से, सुबह ऐसा लग रहा था कि मैं कसौल पहुँच गया, कसौल या फिर बोल लो चलो कसौल तो खैर कुछ ज़्यादा ही ऊपर हो गया, लेकिन थोड़ा नीचे आते कसौली ले लो, कसौली होगी, मसूरी होगी या फिर शिमला हो गया, वैसे ही वाली फील आ रही थी। क्योंकि बादल इतने अच्छे तरीके से फ्लोट करते हुए जा रहे थे ना, एकदम सामने, आंखों के सामने लग रहा था कि यार आज तो वेदर अमेजिंग वाला होने वाला है और बारिश भी होने वाली। लेकिन नहीं भाई, जैसे ही अपन चित्तौड़गढ़ फोर्ट पहुँचे भाई, सूरज देवता वापस से मेहरबान हो गए। तो खैर ठीक है, गाड़ी के अंदर एसी में बैठे हुए हैं, जब तक बाहर उतरना नहीं हो रहा तब तक सही चल रहा है मामला हिसाब किताब। लेकिन हाँ जब उतरना होगा तो भाई टोपी लगानी पड़ेगी, डबल मीनिंग वाली बात नहीं, टोपी सिर पे लगानी पड़ेगी। मैं किसी को टोपी नहीं पहनाता वैसे, खुद को ही पहनाता हूँ। चलो लेट्स कंटिन्यू आवर जर्नी। अपन ने टोल पे कर दिया यहाँ पे, 125 रुपीज़ का टोल है। जब आप उदयपुर से चित्तौड़गढ़ आते हो ना, तो आपको बस एक ही टोल गेट मिलता है विच इज़ दिस वन एंड वाइस वर्सा। लेकिन हाँ चलो ठीक है, 125 वगैरह तो ठीक है, लेकिन हाँ जब आप बॉम्बे एक्सप्रेस वे से आते हो और अगर आपने पूरा डिस्टेंस ट्रैवल किया स्टार्टिंग फ्रॉम यू नो गुड़गांव टू सवाई माधेपुर, तो भाई फिर जो टोल कटता है ना आपका, वो आपको लगता है कि यार ये टोल कटा है या फिर मैंने कोई ज्वेलरी खरीद ली है, ये थॉट आता है दिमाग में। यहाँ से 50 किलोमीटर के आसपास अपने को आज जाना है, वहाँ से अपने को एक राइट कट मिलेगा, और राइट कट लेने के बाद मोटा मोटा मान लो 15-20 किलोमीटर्स के आसपास रह जाएगा टूवर्ड्स आर डेस्टिनेशन। तो चलते हैं आगे, बढ़िया तरीके से क्रूज करते हुए चलते हैं आगे। आप तो रोड्स देख ही रहे हो, मतलब बहुत ही बटर स्मूथ रोड है, अमेजिंग रोड है। बस एक चीज़ जो वो कमी जो मैंने पहले बोला था ना, गाय भैंस कुत्ते बकरियाँ बीच बीच में जो आ जाती है, बस एक वो चीज़ नहीं अगर हो तो फिर क्या बात है, नेक्स्ट लेवल है फिर तो।
यार जैसा कि आपने देखा अपन ने ले लिया ये राइट वाला कट, यहाँ से अगर अपन लेफ्ट लेते तो वो सीधा सीधा आपको अहमदाबाद होते हुए सूरत होते हुए महाराष्ट्र के आसपास एंटर करवाता, फिर बॉम्बे आसपास क्या महाराष्ट्र एंटर करवाता, फिर बॉम्बे सीधा सीधा, एंड देन आफ्टर दैट यू नो कर्नाटका एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन. तो दैट वाज द रूट बेसिकली. अपन ने राइट कट ले लिया है, ये बेसिकली यहाँ से 2 किलोमीटर, ये बोल रही है गूगल आंटी, 2 किलोमीटर के बाद एक और लेफ्ट कट है. अच्छा, और 17 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहाँ से, तो ज़्यादा दूर रहा नहीं अपना डेस्टिनेशन. एंड आई एम रियली थ्रिल्ड वहाँ पे जाने के लिए. मैंने बहुत सुना है उस जगह के बारे में, मैंने देखा भी है, और मैं चाहता हूँ कि अपने इस व्लॉग के थ्रू आप सबको भी उस जगह को आपके सामने प्रेजेंट करूँ बेसिकली, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ क्या है ये बेसिकली बाहुबली हिल्स. और कभी मान लो आपका प्लान बने उदयपुर आने का, तो आप मेरे इस व्लॉग के थ्रू अपना आइटनरी भी बना सकते हो. अगर गाड़ी लेके आ रहे हो तो ड्राइव करके भी जा सकते हो आराम से. तो चलो कंटिन्यू करते हैं अपने जर्नी को. इफ यू आर लाइकिंग द व्लॉग डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, एंड इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू द चैनल डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन एंड सब्सक्राइब द चैनल एज़ वेल. लेट्स गो. तो भाई लेफ्ट राइट करते करते अपन पहुंच चुके हैं अब उदयपुर के अंदर, और उदयपुर के अंदर से अभी ये रास्ता निकल रहा है. वी आर क्रूजिंग यू नो थ्रू उदयपुर द सिटी ऑफ लेक्स, और यहाँ से ही बेसिकली बाहुबली हिल्स का रास्ता कटता है. पास में ही है, अगर आप उदयपुर आ रहे हो तो यहाँ पे एक बार आना तो बनता ही है, क्योंकि वॉट इट हैज इन ऑफरिंग फॉर ऑल ऑफ अस प्रॉब्ली नॉट मेनी प्लेस हैव. कैसा लगा भाई लोग? अच्छा लगा तो लाइक बटन हिट करना मत भूलना, अपने कमेंट्स अब ज़रूर पोस्ट करना. पीछे वहाँ पे पता नहीं आपको कितना दिख रहा होगा, कैमरा पे नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हाँ मुझे दिख रहा है, वहाँ पे अभी बोटिंग चल रहा है. तो ठीक है, सही है, वंस मतलब एक बार आने लायक जगह तो है वैसे फतेह सागर लेक, काफ़ी बड़ा लेक है. यहाँ पे आके आप प्रॉपर बोटिंग वगैरह भी कर सकते हो, और कहीं ना कहीं मेरे यूट्यूब की जर्नी यहाँ से शुरू हुई थी, मेरा पहला ब्लॉग यहीं का था. तो खैर चलो इसी नोट पे अपन कंटिन्यू करते अपने जर्नी को. यहाँ से 6 किलोमीटर रह चुका होगा बाहुबली, तो वहाँ चलते हैं. लेट्स गो. तो यार अपन फाइनली पहुंच चुके बाहुबली हिल्स. गाड़ी अपन ने पीछे पार्क करके रखा हुआ है, मैं दिखाता हूँ. तो बेसिकली यहाँ पे गाड़ी पार्क करके रखा हुआ है, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे सारा पार्किंग है, और यहाँ से अपने को ट्रैक करके ऊपर जाना है, जहाँ पे वो ऊपर जाके वो व्यू पॉइंट आएगा. आपको तो पता ही है जहाँ पे भी मैं जाता हूँ ट्रैक ऑटोमेटिकली मिल जाता है, पहाड़ों पे तो यार बनता है, लेकिन हाँ रेगिस्तान पे भी आपका भाई ट्रैक लेके आता है कहीं ना कहीं से. तो चलो वैसे 500 मीटर का ही ट्रैक है, ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है. तो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स सी व्हाट व्यू इट हैज इन ऑफरिंग फॉर ऑल ऑफ अस. लेट्स गो. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. As
जब आप यहाँ पे आते हो देयर इज एन एंट्री टिकट पर पर्सन 20 रुपीज, और ट्रैक जो है स्टीप है, तो और मतलब स्टीप इतना भी नहीं है, लेकिन देन देर आर यू नो स्टोन्स जो आपको एक्यूपंचर के सेशन दे देंगे, तो डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर ट्रैकिंग शूज ऑन। 700-800 मीटर ऊपर अपने को चढ़ना है, तो चढ़ते हैं ऊपर, आपको लेके चढ़ता हूँ ऊपर और देखते हैं ऊपर से क्या है। तो चलो कंटिन्यू करते अपने जर्नी को। See the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me, well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. What's wrong and why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look. ये ट्रैक बेशक 700-800 मीटर का है, लेकिन अगर आपने मेरा गनहिल वाला ट्रैक देखा हो या बिंसर वैली वाला ट्रैक देखा हो, इट इज दिस ट्रैक इज ऑलमोस्ट कंपेरेबल टू, यू कैन कंपेयर दिस विद दोस टू ट्रैक्स। काफ़ी ज़्यादा मतलब पैचेस कुछ कुछ ऐसे हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टीप चढ़ाई है, प्रॉपर रोड नहीं है, पत्थरों के ऊपर से होके आपको जाना पड़ता है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये देखो। जो वाटर लेवल देख रहे हो आप, अपन उस लेवल पे थे, वहां से इतना आगे अपन इन स्पैन ऑफ 400-500 मीटर्स। नेक्स्ट लेवल ब्रो, नेक्स्ट लेवल। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, लेट्स गो। So we are finally there. आप मेरे पीछे जो देख रहे हो, this is the view that Bahubali Hills have in offering for all of us. मतलब worth it है, लेकिन crowd कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो off season पे आओ, तो आपको proper तरीके से यहाँ पे chill मारने का मौका मिलेगा, वरना यहाँ पे आप आओगे crowd के बीच में कुछ मतलब वो खास वाली जो वो edge factor होता है ना, वो नहीं मिलने वाला। लेकिन हाँ, in terms of natural beauty, in terms of surroundings, in terms of lake, this is a must visit spot if you're planning your trip to Udaipur. तो चलो, उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। जो पिक्चरस ड्राइव था फ्रॉम चित्तौड़गढ़ फोर्ट टू हियर, उम्मीद करता हूँ आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिला होगा इसके बारे में। एंड आपको अगर अपना आइटनरी प्लान करना है तो मेरे इस व्लॉग के थ्रू आपका आइटनरी भी प्लान हो सकता है। तो मिलते हैं अगले व्लॉग पे, इस राजस्थान सीरीज पे। डू स्टे ट्यून्ड, बिकॉज इसके बाद वी आर प्लानिंग टू हिट माउंट अबू एंड देन आफ्टर दैट बैक टू गुड़गांव। लेकिन हाँ, बीच में काफ़ी ज़्यादा प्लेसेस आएंगे जो कि बेसिकली अनटच्ड है, विच प्रॉबेबली आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर, एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू यू नो स्टे ट्यून्ड सो दैट यू गाइज कैन ऑल्सो एक्सप्लोर दोज प्लेसेज वाया माई व्लॉग। तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग पे, एंड करते हैं आज के व्लॉग को यहाँ पे। इफ यू आर न्यू टू द चैनल, डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन गाइज, एंड इफ यू आर ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड, यू गाइज नीड टू शेयर इट विथ योर होम नियर एंड डियर वंस। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन चीयर्स। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray.